कि हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली सीएचओ क्या है, क्यों सीएचओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मैं आपसे बात करते हैं, जब भी टीचर्स कोचिंग में बात करते हैं तो आपसे कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जो है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए, जैसे नॉरसेट हुआ, डीएसएसबी हुआ, पीजीआई हुआ, जिपमेर हुआ, जिपमेर की वैकेंसी भी आज से खुल गई है, वो भी आप लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन सीएचओ इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, सीएचओ जो है उसका पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यही नाम है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन से प्रोग्राम का हिस्सा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोजेक्ट में सीएचओ पोस्ट को स्टार्ट किया? तो फिर आपका जवाब होता है आयुष्मान भारत। क्या होता है? आयुष्मान भारत। अब जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता हूं तो डेफिनेटली आयुष्मान भारत जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे साहब ये एनएचएम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेशनल हेल्थ मिशन। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एनआरएचएम, सुना है? एनआरएचएम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कब स्टार्ट हुआ? डेट क्या थी? 12 अप्रैल 2005। वेरी गुड। तो 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया एनआरएचएम, जिसका मेन मोटो था कि रूरल हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। किसको इंप्रूव किया जाए? क्योंकि नाम ही क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ। जो गैप था अर्बन के और रूरल के बीच में, उस गैप को दूर करने के लिए एनआरएचएम स्टार्ट हुआ 12 अप्रैल 2005 को, और 2013 में स्टार्ट हुआ एनयूएचएम। क्या स्टार्ट हुआ? और इसकी जो पोस्ट थी वो तो आपको पता है क्या थी, और इसकी पोस्ट क्या थी? उषा। फिर एनआरएचएम और एनयूएचएम को दोनों को मिला दिया 2013 में, क्या बना दिया? एनएचएम। अब आज आप गूगल पे जाके पढ़े कि साहब एनएचएम कब स्टार्ट हुआ, तो वो आपको 2005 ही दिखाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2005 कैसे लिखा हुआ है? आज किसी का नाम मोहन है और उसका जन्म आज हुआ 21 जुलाई 2022, और 5 साल बाद उसका नाम बदल के श्याम कर दिया, तो बताओ श्याम कब पैदा हुआ? मुन्नारी मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं, एनआरएचएम स्टार्ट हुआ 2005 में और एनयूएचएम स्टार्ट हुआ 2013 में, और दोनों को मर्ज करके एनएचएम कर दिया, तो एग्जैक्टली एनएचएम क्या है? एनआरएचएम ही तो है। तो यदि मैं कहूं कि एनएचएम कब स्टार्ट हुआ तो आप क्या बोलोगे? 2005 में, जबकि उसका नामकरण कब हुआ? 2013 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब यह स्टार्ट किया तो लोगों पर हेल्थ इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया, लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ हेल्थ सेंटर्स को प्रमोट कर दिया जाए। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहां पर सब सेंटर होते हैं, पीएससी होती है, सीएससी होती है। सबसे लोवेस्ट हेल्थ सेंटर जो होता है वो कौन सा होता है? हेल्थ सेंटर पूछे तो, मैं ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर पूछूं तो आप बोलेंगे विलेज। ध्यान रखना, जितने वर्ड्स जितने टर्म्स मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूं उसी प्रकार से याद करने, शब्दों को घुमा के याद करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर वर्ड्स को बार बार घुमाता है और हमें उन वर्ड्स को घुमाना नहीं है, घूमना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि लोवेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ सेंटर, सबसे लोवेस्ट लेवल हेल्थ सेंटर का क्या होता है तो क्या लिखोगे? क्योंकि तो केंद्र के नाम पर सबसे पहला क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र। क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर है, जहां पर सबसे नीचे आपको केयर मिलती है, तो फिर आप क्या बोलते हो? विलेज। क्योंकि विलेज पर भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, जो सीएचओ एग्जाम हुआ था लास्ट वाला एमपी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर कौन सा नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर किसको काउंट करोगे? विलेज को। अब विलेज में क्या क्या पोस्टेड है? तो आप कहेंगे आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा है, विलेज हेल्थ गाइड है और ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट है। इसका मतलब ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर कितने हो गए? 4। लेकिन बेसिक हेल्थ सेंटर सबसे पहला कौन सा है? सब सेंटर से ऊपर क्या आती है और पीएचसी से ऊपर क्या आती है? इसके बाद सेंटर नहीं आते, हेल्थ सेंटर फिर हॉस्पिटल आते हैं। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, मैं अभी तो आपको सिर्फ एनएचएम के बारे में बता रहा हूं और आपका ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बता रहा हूं। डेमो भी स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट बेसिक चीजें आपसे पूछ रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल?
एनीबडी, आप में से जिसको भी आइडिया है, हेल्थ सेंटर में और हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बोलो। हेल्थ सेंटर सब सेंटर और क्यों सीएससी में भी भाई साहब आजकल तो 46 लोग होते हैं, वो जमाने गए जब 25 लोग होते थे। तो रेफरल सिस्टम तो इसके आगे जाओगे तो सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट ही आएगा, तो वो भी रेफरल सर्विस कॉम्प्लेक्स में शामिल है। बैठो, वेरी गुड, आपका जो प्रयास है वो अच्छा है, लेकिन और सोचो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ सेंटर। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर कह दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर क्यों नहीं कह सकते? तो दो डिफरेंस बता रहा हूं, दो को अच्छे से याद रखना। पहला डिफरेंस, हेल्थ सेंटर की डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, हेल्थ सेंटर की डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, मतलब फिक्स पॉपुलेशन होती है। आज मैं पूछूं विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, 1000, सब सेंटर की कितनी है, 3000 से 5000, पीएससी कितनी है, 20000 से 30000, सीएससी कितनी है, 80000 से 1,20,000, यही बोलोगे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पॉपुलेशन कितनी होती है, एसएमएस की पॉपुलेशन कितनी है? तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, हॉस्पिटल की कोई पर्टिकुलर डिफाइंड पॉपुलेशन नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हॉस्पिटल हमेशा डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक सर्विसेज के लिए होते हैं, मतलब बीमारी का पता लगाने के लिए और बीमारी का इलाज करने के लिए। लेकिन हेल्थ सेंटर प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, सारी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप हेल्थ सेंटर पे एंटीनेटल केयर भी देते हो, घर घर जाती है आशा, एएनएम जाती है जाके टीचिंग देके आती है, आप घर घर जाके वैक्सीन भी लगाते हो, लोगों को एजुकेशन भी देते हो गांव में जाके, क्या एसएमएस की स्टाफ नर्स जाके बगल वाले घर में ज्ञान देकर आती है क्या? इसका मतलब सेंटर के द्वारा प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव चारों प्रकार की सर्विस दी जाती है, जबकि हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक सर्विसेज देता है। इसीलिए ये हेल्थ सेंटर है और वो हॉस्पिटल है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको प्रमोट कर दिया जाए। आज मैं सब सेंटर की बात करूं तो सब सेंटर पे कोई भी रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ नहीं होती। यदि पहले की पॉपुलेशन की आप बात करोगे, सब सेंटर की पॉपुलेशन में क्या होता है, स्टाफिंग पैटर्न में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एक तो हेल्थ वर्कर मेल होती है और एक हेल्थ वर्कर फीमेल होती है, यही बोलोगे? इनमें से कोई भी रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ है क्या? इनके पास आरएनआरएम होता है क्या? आप लोगों के पास आरएनआरएम है कि नहीं? आप जितने लोग बैठे हो, आपके पास आरएनआरएम है कि नहीं? यदि नहीं भी आया है तो भी आप अप्लाई किसको लिए करोगे? रजिस्ट्रेशन नंबर किसके लिए करोगे? रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ। जब आपकी कोई विज्ञप्ति निकलती है ना, तो उस विज्ञप्ति में शैक्षणिक योग्यता क्या लिखी होती है? रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ। जबकि एएनएम जो होती है, हेल्थ वर्कर जो होता है, वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है। क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो मैं कहूं पहला रजिस्टर्ड नर्स, पहली रजिस्टर्ड नर्स कहां पर पोस्टेड होती थी पहले? पीएससी पर। सब सेंटर पे रजिस्टर्ड नर्स नहीं है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है। इन्होंने कहा कि क्यों ना सब सेंटर को प्रमोट कर दिया जाए, क्यों ना सब सेंटर को प्रमोट कर दिया जाए। यदि आप सब सेंटर को प्रमोट कर दोगे तो यहां पर आप एक रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ की पोस्टिंग कर सकते हो। और ये रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ किस नाम से जानी जाएगी? जिस चीज की तैयारी करने के लिए आप यहां पर बैठे हुए हो। क्या नाम है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो इन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ को पोस्टेड कर दो, कुछ सब सेंटर को अपग्रेड कर दो, कुछ पीएससी को अपग्रेड कर दो, और इसको नाम दे दो क्या? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या नाम दे दो? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, इस पे सबसे सुपीरियर पोस्ट होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए सवमणि कर दी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? 35,000-40,000। और जो नर्सिंग ऑफिसर बनता है उसकी सैलरी होती है 80-85,000। लेकिन जो रुतबा है, जो डेकोरम है, लोगों ने गाड़ी के ऊपर लिखवा रखा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। कभी किसी नर्सिंग ऑफिसर की गाड़ी पे लिखा हो देखा है कार के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर? नहीं।
लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, अरे कईयों ने सीएचए के लिए कर दी 100 मणि। सोचो आप, सीएचए के लिए 100 मणि कर दी, मतलब सीएचओ एक रुतबे की पोस्ट। दूसरी बात, यदि आपके एरिया में होती है तो आपका कद, आपके पिताजी का कद, आपके भाई का कद, आपके घर वालों का कद बढ़ जाता है अपने आप। और यार ये तो अधिकारी है, समझ में आ रही है। दूसरी बात, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब जॉब कैसी है, सबसे पहले समझिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो आप कहेंगे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुआ? तेईस सितंबर 2018 आयुष्मान भारत को स्टार्ट किया गया। और आयुष्मान भारत में टारगेट दिया गया कि जो 1.5 लाख सब सेंटर और पीएचसी हैं, कम से कम इनको अपग्रेड कर दिया जाए। सारे सब सेंटर्स को नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन 1.5 लाख सब सेंटर और पीएचसी को अपग्रेड कर देंगे। पहला चरण तो ये है, जिसके तहत भी अभी बहुत सारी वैकेंसी बाकी है। सीएचओ का फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सीएचओ की वैकेंसी का मतलब है कि कम से कम 1.5 लाख तो स्टार्टिंग में भरी जाएंगी। ये पहला चरण है। फिर दूसरा चरण ये है कि हर स्टाफ हेल्थ वेलनेस सेंटर पे 24 घंटे सातों दिन की सुविधाएं स्टार्ट की जाएंगी। अब जब 24 घंटे सातों दिन सुविधाएं करोगे तो क्या एक सीएचओ से काम चल सकता है क्या? फिर आपको 2 सीएचओ की जरूरत पड़ेगी। तो फिर उसके बाद जब ये 1.5 लाख अपॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद सरकार क्या करेगी, अब 1.5 लाख और अपॉइंट करेगी। तब तक वो बाकी सब सेंटर और पीएससी को अपग्रेड करने की बात करेगी। एक्चुअली एनएचएम ये जो प्रोजेक्ट है, आयुष्मान जो ब्रॉड प्रोजेक्ट है, ये लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकलती है, लेकिन किसी भी सीएचओ को आज तक सरकार ने निकाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह, मैं सीएचओ की बात कर रहा हूं, सीएचए की बात नहीं कर रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो सीएचओ ऑफिसर पोस्ट है, वो पोस्ट वो है जो सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है आयुष्मान भारत के तहत, और इसमें 1.5 लाख सब सेंटर और पीएससी को अपग्रेड करने का टारगेट दिया गया है पहले चरण में। उसी के तहत ये वैकेंसी निकलती है, जैसे राजस्थान में निकल रही है, यूपी सीएचओ की तो रिवाइज हो चुकी है, फॉर्म भी आ चुके हैं, और भी सीएचओ की निकल रही है। तो मेरा कहने का सीधा मोटिव यह है कि आप लोग ये ध्यान रखें कि जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन किस चीज का दिया है, आपके कंटेंट का, जो हम जिसके लिए बैठे हुए हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये पोस्ट है क्या। अब हम बात करेंगे आज के डेमो क्लास की। आप सभी लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। बेसिकली आज पहली क्लास है, कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बिल्डिंग समय टाइम यही रहेगा आप लोगों का। मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्थ सेट की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना बता दूं कि जो लेवल आपका रहता है सीएचओ का, वो थोड़ा सा अलग होता है। कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं और कुछ चीजें बहुत हार्ड होती हैं जो आप नॉर्थ सेट में नहीं पढ़ते। हम जब वो चीजें डिस्कस करेंगे आपसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉर्थ सेट जिसने पढ़ लिया वो सीएचओ क्वालिफाई कर सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन कुछ सीएचओ में ऐसी चीजें भी है सिलेबस में जो नॉर्सेट के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती। आ रही बात समझ में? लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीएचओ का जो सिलेबस है वो किन किन चीजों को कवर करता है। हम अपनी अपॉर्चुनिटी, हमारे जो हमने जो वर्क अभी तक किया है, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये जो संस्था जिसमें आप बैठे हो, इसका नाम है मेडगुरुज। मेडगुरुज लास्ट ईयर 2021 में एस्टैब्लिश की गई, अप्रैल ऑनलाइन में स्टार्ट हुआ। उस टाइम तो कोविड की वजह से जो सब कुछ बंद था, तो हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया नर्सिंग टुडे के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी भी जो बच्चे इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं, उनको नर्सिंग टुडे का प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। तो नर्सिंग टुडे हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, हमने उस पर नॉर्सेट कोर्स स्टार्ट किया, सीएचओ कोर्स स्टार्ट किया लास्ट ईयर। उससे पहले हम जिस संस्था में पार्टनर थे, वहां पर 796 बच्चे हमने पढ़ाए थे सीएचओ के। और सीएचओ सबसे बड़ा रोल किसका होता है वो आपको पता है, ओबीजी, कम्युनिटी, पेडियाट्रिक और बेसिक फंडामेंटल, और उसके अलावा एनाटॉमी। आपसे 8 लाइन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एंथलेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ने की जरूरत है। आपको वो नॉलेज चाहिए जो बेसिक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। 796 बच्चे पढ़ाए थे और 726 बच्चे 2020 की वैकेंसी में सिलेक्ट हुए थे। मैं ये ओपनली चैलेंज करता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी कोचिंग का परसेंटेज रेशियो इतना नहीं रहा होगा। यदि लीगली बात की जाए, इलीगल तो 4200 पोस्ट निकलती है, एम्स के 55 सिलेक्शन जाते हैं।
इलीगल की बात नहीं कर रहा हूं, लीगल की बात कर रहा हूं। सेकेंड थिंग ये है कि हम जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि जो आपकी क्लासेज होती है जितना कंटेंट आपको लिखा दिया बस उतना कंटेंट ही पढ़े और उस कंटेंट पे 100% रिलाय करें। डोंट गो फॉर द अदर क्लासेस। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। यहां पर जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं मैड गुरुज में, उसमें सबसे पहली क्लास मेरी है, सेकंड क्लास आपकी ओबीजी की होगी जो महेंद्र सैनी सर पढ़ा रहे हैं, और तीसरी क्लास दिनेश शर्मा सर की होगी जो फंडामेंटल के बेसिक चीजें पढ़ाएंगे। और ये तीन जो नाम है, जो तीन चेहरे हैं, इनको किसी पहचान की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं। इतना पढ़ा दिया, 40,000 बच्चे कम से कम पढ़ा चुके हैं दिनेश सर, मैं और महेंद्र सर, और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो आज टचवुड अच्छी जगह लगे हुए। सबसे पहली चीज होती है कि आपको अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए। यूट्यूब पे मैं खड़ा हो जाऊं और मैं कुछ भी बोल दू, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया। आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, लास्ट ईयर हुआ है, जो चीज पढ़ा दी उसके बाद यूट्यूब पे पढ़ के बच्चे उसको गलत करके आ गए। जैसे क्वेश्चन आया था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, चिल्ला चिल्ला के क्लास में पढ़ाया था मैंने सीएचओ के ऑनलाइन पे कि बेटा इसका सबसे बड़ा कारण आएगा निमोनिया, और सिक्वेंस भी लिखवाया था PDMMM, ये फंडा याद करो। लेकिन उसके बावजूद भी यूट्यूब चैनल पे किसी और टीचर ने पढ़ा दिया डायरिया, और ये कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और बच्चा लिखकर आ गया डायरिया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, फेथ नहीं था कि जो आलोक सर ने पढ़ा दिया वो हो सकता है गलत हो जाए। तो यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के नाच नाच के पढ़ा रहा है, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, जाग जाओ उठ जाओ मुट्ठी में भर लो आग लगा दो। ना तो हम आग लगाने के लिए आए, ना हम किसी को मुट्ठी में लेने के लिए आए, हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, पोस्ट, एक नौकरी चाहते हैं जिससे हमारा परिवार, हमारा लालन पालन, हमारा फैमिली स्टेबल हो सके, बस। इसलिए बोल रहा हूं निमोनिया वॉज द राइट आंसर, इसका आंसर निमोनिया था। एमडीआर टीबी की ड्यूरेशन पढ़ाता हूं 24 से 27 महीने, उठा के देख लेना पुराने वीडियोस, साफ बोलता हूं 24 से 27 महीने हैं। किसी टीचर ने पढ़ा दिया 18 से 24 महीने, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, बच्चा टिक करके आ गया। आप विश्वास रखिए कि जो आपको बताया जा रहा है वो 100% रिलायबल है, और रिलायबिलिटी चेक करनी है तो टेक्स्ट बुक से चेक करो, कॉम्पिटिशन गाइड से नहीं। रिलायबिलिटी किससे चेक होती है, टेक्स्ट बुक से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, के पार्क, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, नाम तो सुना होगा, पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, पर फोर्थ ईयर में इतनी मोटी बुक चलती थी PSM, वही बुक आप लोगों को रेफरीफाई करनी है, और उसी चीज से हम आपको पढ़ाते हैं। आज जो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पहले सीएचओ के सिलेबस में जो कम्युनिटी का सिलेबस है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक हेल्थ के बारे में, इसमें हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, कंसेप्ट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, डिजीज साइकिल क्या होता है, चैन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है, स्पोरैडिक क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है बेसिक के बारे में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आपकी चीज आती है वो आती है प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या आती है, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका होता है वो आपका होता है एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल। दूसरा आपका होता है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जिसमें इम्यूनाइजेशन आता है, और आपके प्रोग्राम आते हैं RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में 100% आते हैं। लेटेस्ट प्रोग्राम, लेटेस्ट स्कीम्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो आपको याद करने हैं जो यहां पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा तीसरी चीज आती है इम्यूनाइजेशन, और उसके अलावा आपका जो लास्ट पार्ट इसमें आता है वो आपका आता है फैमिली प्लानिंग। क्या आता है, कॉन्ट्रासेप्शन। ये तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सिलेबस में, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं डिजीज। डिजीज इसमें अलग प्रकार से आती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नॉर्मली बेसिक फंडे आते हैं, एनाटॉमी पूछी जाएगी, बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, या डिजीज में पूछी जाएगी तो हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस 1 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट क्या है, नॉन डिपेंडेंट क्या है, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वेक्टर बोन, उसके बाद होता है वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमेंटिक डिजीज, उनको अलग अलग क्लासिफाई करके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट जो तो आता है वो आता है आपका अगला पार्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ इसमें आपकी एल्डरली केयर आती है, जेरियाट्रिक केयर जो होती है वो आती है,
और ये सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। लास्ट में आपका आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इसमें विलेज लेवल पे क्या होता है, सब सेंटर पे क्या होता है, पीएससी पे क्या होता है, सीएससी पे क्या होता है, कौन कौन से किट पाए जाते हैं, क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, वो सारी चीजें होती है। बेसिकली कम्युनिटी जो आपकी है वो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पेपर का 50-60% क्या आएगी, कम्युनिटी। 30% आपका आएगा लगभग ओबीजी, ओबीजी में लेबर, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल। लेबर जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा, पार्टोग्राफ क्या होता है, बिशप स्कोर क्या होता है, नॉर्मल जो साइंस आपको पढ़ाए जाते हैं, गुडेल साइन, चैडविक साइन, हेगर साइन, वो सबके बारे में क्वेश्चन आते हैं। बेसिक चीजें आती है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अबॉर्शन कौन कौन से होते हैं, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया की बेसिक चीजें वो सर आपको पढ़ाएंगे। तीसरी आती है जनरल फार्मेकोलॉजी। जनरल फार्मेकोलॉजी का मतलब जनरल ही है, स्पेसिफिक नहीं है। आपसे किसी भी फार्माकोडायनामिक्स नहीं पूछी जाएगी, कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा ड्रग काम कैसे करती है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ड्रग किसमें काम करती है और इस ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं या इसके साइड इफेक्ट क्या है, सिर्फ ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो अगली चीज आती है वो आती है चाइल्ड हेल्थ। इसमें चाइल्ड हेल्थ में नॉर्मल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, जैसे कंजनाइटल माल फॉर्मेशन हो गया, आपका एमआर मेंटल रिटार्डेशन हो गया, एफगार स्कोर हो गया, जो बच्चे का चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बेसिक वो हो गया, ये चीजें पूछी जाती है। तो और फंडामेंटल में तो आपके सीपीआर हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, प्रोसीजर्स हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड जो आपसे पूछी जाती है। ये कुछ ओवरऑल सिलेबस है। हालांकि अभी का सिलेबस जो लास्ट ईयर का था, हो सकता है गवर्नमेंट उसको चेंज करे, यदि वो चेंज करती है तो वो सारी की सारी चीजें आपको ऐड कर दी जाएगी। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में लिखा होगा, और उसके हिसाब से आपको हर चीज नोट्स लिखाए जाएंगे। सिर्फ इतना सा हमने आपसे कहा कि आप जब भी यहां बैठे डोंट मिस द क्लास, क्लास को मिस ना करें। ऑफलाइन जो बच्चे आ रहे हैं वो रेगुलरली जब उनके टेस्ट होते हैं तो टेस्ट भी रेगुलरली दें। और एक चीज ध्यान रखें, यदि आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, अपने साथ ईमानदार हैं, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। यदि अपने साथ ये मान के चला करो कि अब सीएचओ नहीं आएगा, मतलब जब भी कोई सिलेक्शन हम चाहते हैं ना, तो ये मान के चलो कि यार ये पहली बार है और आखिरी बार है। इस साल सफलता मिलनी चाहिए, मेड गुरु में पढ़ने वाला एक एक बच्चा सीएचओ में सिलेक्ट होना चाहिए। 3500 पोस्ट हैं और यदि हम 1500 बच्चे पढ़ाते हैं तो 1500 तो मेड गुरु के होने चाहिए। ये हमारा सपना है और इस सपने को पूरा कौन करेगा, आप लोग। आज मैं आपको दो चीजों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एक तो पढ़ा रहा हूं इम्यूनाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्योंकि डेमो क्लास है ये टॉपिक दोबारा चलेंगे सारे के सारे, स्टार्टिंग से होगा। आज केवल डेमो क्लासेस है, आप लोगों का इंटरेक्शन जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा है, तो जितना आप रेस्पॉन्ड करेंगे, जितना आप जवाब देंगे, तो आपको इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो एक्टिव लर्निंग के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको जवाब देना है। पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कौन सा है, इम्यूनाइजेशन। कौन सा है, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज, और इम्यूनाइजेशन कौन से प्रिवेंशन का पार्ट है। इम्यूनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन कौन से प्रिवेंशन का पार्ट है। सबसे पहली बात है, इम्यूनाइजेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इम्यूनाइजेशन के थ्रू किसी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तीन चीजें बोल रहा हूं, थ्रू द इम्यूनाइजेशन वी कैन कंट्रोल द डिजीज, वी कैन प्रिवेंट द डिजीज, वी कैन एलिमिनेट द डिजीज, बट वी कैन नॉट इरेडिकेट द डिजीज। हम डिजीज को इरेडिकेट नहीं कर सकते। वैक्सीन से बीमारी को इरेडिकेट कर सकते हो क्या? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमिनेशन और इरेडिकेशन, इसमें इसमें क्या डिफरेंस, एलिमिनेशन में और इरेडिकेशन में क्या डिफरेंस है बताओ। गुड मॉर्निंग विक्की, सुधा, बबलू, नेहा, सुधा क्लिनिकल, राहुल, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी रिप्लाई दे सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमिनेशन। राहुल ने रिप्लाई किया प्राइमरी प्रिवेंशन, बिल्कुल सही है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। आप लोग बोलो जो यहां बैठे हो, वो दूर बैठे जवाब दे रहे हैं, कौन सा प्रिवेंशन है, प्राइमरी। कौन सा है,
वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन? फटाफट जवाब दो, सोचो। बैक्टीरिया माइक्रोब खत्म हो जाते हैं और एलिमिनेशन में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, एग्जैक्टली गौरव सिंह, एजेंट और डिजीज दोनों एब्सेंट होते हैं इरेडिकेशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने, पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एलिमिनेशन का मतलब है नो केस, बीमारी का कोई भी केस उस कम्युनिटी में या उस एरिया में अवेलेबल नहीं है। बीमारी का कोई भी केस, कोई सा भी केस इसमें अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? यदि बीमारी का कोई भी केस अवेलेबल नहीं, पोलियो है, लास्ट केस इंडिया में कब आया? द लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया रिपोर्टेड इन विच ईयर? 2011। डेट क्या थी? 13 जनवरी। क्या थी? 13 जनवरी। मुकेश कुमार मीना, बिल्कुल बेटा सही कहा। तो ध्यान रखिए, मैंने कहा लास्ट केस पोलियो का आया 13 जनवरी 2011। कितने साल हो गए? 11.5 साल। आज भी पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हो कि नहीं पिला रहे हो? बंद कर दी पिलाना? पिला रहे ना? तो जब भैया 11.5 साल से केस ही नहीं आया तो क्यों पिला रहे हो? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो फिर आप कहेंगे सर रिक्वायरमेंट तो है, और रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि यदि हमने उसको नहीं पिलाया तो आगे केस आ सकते हैं। इसका मतलब पोलियो वायरस इज स्टिल प्रेजेंट, पोलियो वायरस अभी भी मौजूद है। यही डेफिनेशन किसकी है? एलिमिनेशन की। केस कोई नहीं है, बीमारी का पेशेंट कोई नहीं है, लेकिन एजेंट अभी भी मौजूद है, स्टिल प्रेजेंट, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? जब आप लोगों को वैक्सीन लगा दोगे, लोगों को टीके लगा दोगे, तो बताइए उनकी बॉडी में से बीमारी होने के चांसेस खत्म होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? नो केस। आज मैं 100% बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगा दूं और वैक्सीन की इफेक्टिव रेट 100% हो, तो बताओ एक भी बच्चे को पोलियो होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन क्या मैं वैक्सीन पोलियो वायरस को लगा रहा हूं क्या? वैक्सीन किसको लगा रहा हूं? बच्चे को। किसको लगा रहा हूं? मैं पोलियो वायरस को नहीं मार रहा हूं, मैं तो पोलियो वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज पैदा कर रहा हूं। तो एग्जैक्टली वैक्सीनेशन से आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेशन। इरेडिकेशन क्या होता है? इरेडिकेशन होता है ना तो केस और ना ही एजेंट, ना तो केस है और ना ही एजेंट है, ना तो वहां पर कोई बीमारी का पेशेंट है और ना ही बीमारी का कोई कॉजेटिव एजेंट है। जैसे आपके सामने सुना होगा बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? सुभाष गुर्जर रिप्रेजेंट है, आसपास की कम्युनिटी में पोलियो प्रेजेंट है, सुभाष गुर्जर बिल्कुल सही। पाकिस्तान के दिमाग में पोलियो है, अफगानिस्तान की बॉडी में पोलियो है, नाइजीरिया में पोलियो है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि स्मॉल पॉक्स को पॉजिटिव एजेंट क्या है स्मॉल पॉक्स का? वेरियोला वायरस। वेरी गुड, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इज वेरियोला वायरस। अब वेरियोला वायरस है तो एग्जैक्टली वेरियोला वायरस खत्म हो चुका है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा मंकी पॉक्स का पहला केस मिल गया इंडियन, ये क्वेश्चन याद कर लेना। मंकी पॉक्स का पहला केस कहां मिला? ये सारे केस केरला में मिलते हैं, तो जितने पहले केस है ना केरला में मिलते हैं, क्योंकि केरला के मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं और जब बाहर से आते हैं तो वो साथ में केस लेकर आ जाते हैं। अब मंकी पॉक्स के लिए कुछ स्टडीज ये कह रही है कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है ना वो लगाना वापस शुरू कर दो, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मंकी पॉक्स से बचा सकता है। स्टडीज कह रही है, अभी 100% प्रूव नहीं हुआ है, कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉक्स वायरस। किससे बिलोंग करते हैं? पॉक्स वायरस। तो एग्जैक्टली मैंने कहा स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट वेरियोला वायरस है, वेरियोला भी खत्म हो गया और डिजीज एजेंट भी खत्म हो गया, पूरे वर्ल्ड में मौजूद नहीं है, तो बताओ ये बीमारी क्या कहलाएगी? और याद रखना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक बीमारी ऐसी है जो आज तक क्या डिक्लेयर हुई है? इरेडिकेट। केवल एक बीमारी, बाकी कोई बीमारी इरेडिकेट डिक्लेयर नहीं हुई है। एलिमिनेट बहुत सारी हो गई, पोलियो हो गई, याद हो गई, आपके लास्ट सीएचओ क्वेश्चन आया था, लास्ट सीएचओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी बीमारी को एलिमिनेट डिक्लेयर कर दिया गया है,
कौन सी बीमारी इंडिया से फ्री हो चुकी है, बस उसने गलती ये कर दी कि उसने हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया नारू रोग, और हकीकत में नारू रोग मैंने पढ़ाया भी नहीं था, मैंने तो ड्रैगन कुलेश में पढ़ाया था, मुझे नहीं पता था कि राजस्थान वाले पूरा पेपर हिंदी में दे देंगे। इसकी इंग्लिश होती है ड्रैगन कुलियसिस, क्या होती है ड्रैगन कुलियसिस, वर्म इंफेस्टेशन है, कौन सा इंफेस्टेशन है वर्म, ड्रैगन कुलियसिस जो है ड्रैगन कुलस मेंडिनेंसिस, ये उसका गिनीवर्म बोलते हैं इसको, गिनीवर्म ड्रैगन कुलस मेंडिनेंसिस कॉजेटिव एजेंट है, ये ड्रैगन कुलियसिस का हिंदी नाम क्या है नारू रोग। तो मैंने ये तो पढ़ा दिया कौन कौन सी बीमारियां एलिमिनेट हुई है, तो आप कहेंगे याज जो किससे होता है ट्रेपोनीमा से, दूसरा मैंने कहा पोलियो ये भी एलिमिनेट हो चुकी है, फिर मैंने कहा ड्रैगन कुलियसिस ये भी एलिमिनेट हो चुकी है, और चौथी बीमारी आपकी कौन सी होने वाली है लेप्रसी, लेप्रसी को हम डिक्लेयर करने वाले, एक्चुअली लेप्रसी को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया ये है कि यदि 10,000 में एक से कम केस है तो हमने उसको एलिमिनेट मान लिया, तो लेप्रसी। तो मैंने कहा ये बीमारियां एलिमिनेट हुई है, रेडिकेट तो केवल एक बीमारी हुई है, वो कौन सी हुई है स्मॉल पॉक्स, ध्यान रखना इस चीज का। तो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब यहां पर यह था कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, केसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो इंडिया में किया, लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन किया गया, आप सब लोगों ने वैक्सीन लगवाया हुआ है, दो डोज लगवाई है, बूस्टर भी लगवा लिया है, कितने लोगों ने बूस्टर लगवा लिया है, कुछ ही लोगों ने लगवाया बूस्टर, बाकी लोगों का बूस्टर भी बाकी है, तो बूस्टर लगवाए। एक्चुअली वैक्सीनेशन से बीमारी क्या हुई है कंट्रोल, प्रिवेंट कैसे, हम चैन ऑफ इंफेक्शन को रोकते हैं। आप लोगों को पता हो तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो एक थ्योरी दी गई थी, एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया गया था, ब्रेक द चेन, क्या थी, चेन को तोड़ो, चेन क्या है चेन ऑफ इंफेक्शन, चेन क्या है चेन ऑफ इंफेक्शन, चेन ऑफ इंफेक्शन में कितने पार्ट होते हैं, जनरल पूछ रहा हूं, कितने पार्ट होते हैं आप बताओ, चेन ऑफ इंफेक्शन में कितने एलिमेंट है, जिसको भी आइडिया है सही गलत मत सोचा करो, गिव आंसर, आंसर दीजिए आपको जितना आता है उसके बेस पर, यूपीसीएचओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपीसीएचओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब पूरे 100 की 100 क्वेश्चन करके आने बिंदास, उसमें साफ लिखा हो नो नेगेटिव मार्किंग, अब बताओ यहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चेन ऑफ इंफेक्शन में कितने एलिमेंट है, 6, एनआर चौधरी बिल्कुल सही, रूपेश बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सबसे बिल्कुल सही जवाब दिया कि 6, चेन ऑफ इंफेक्शन में कितने एलिमेंट होते हैं 6, पहला एलिमेंट बोलते जाओ जो ऑनलाइन पर लगातार बोलते जाइए, पहला एजेंट, दूसरा होस्ट, कैसे आ जाएगा अभी यार, रिजर्वोयर, दूसरा क्या होगा रिजर्वोयर, तीसरा क्या होगा पोर्टल ऑफ एग्जिट, क्या होगा पोर्टल ऑफ एग्जिट, चौथा क्या होगा अब तो याद आया होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, चौथा क्या होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पांचवा क्या होगा पोर्टल ऑफ एंट्री, क्या होगा पोर्टल ऑफ एंट्री, और लास्ट क्या होगा ससेप्टिबल होस्ट, यही है यही है एग्जैक्टली आप देखिए ये 6 पार्ट है, कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स है, और 6 एलिमेंट में देखिए एजेंट रिजर्वोयर पोर्टल ऑफ एग्जिट मोड ऑफ ट्रांसमिशन पोर्टल ऑफ एंट्री ससेप्टिबल होस्ट। हमारा मोटिव ये होता है कि चेन ऑफ इंफेक्शन, इंफेक्शन चलता कैसे है, आज मैं इंफेक्टेड हूं और ऐसा हो जाए कि बीमारी मेरे साथ ही खत्म हो जाए तो फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है। कैंसर जिसको होता है क्या कैंसर वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट कर सकता है क्या, हाइपरटेंशन हुआ डायबिटीज हुआ सीवीए हुआ स्ट्रोक हुआ एनीमिया हुआ क्या वो ट्रांसमिट कर सकता है क्या, लेकिन वो टीबी कर सकता है, एचआईवी कर सकता है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स कर सकता है, कोविड 19 कर सकता है, इसका मतलब वहां पर चेन ऑफ इंफेक्शन है, बीमारी चल रही है, और मुझे यदि बीमारी को कंट्रोल करना है रोकना है तो किसको तोड़ना पड़ेगा, इस चेन को तोड़ना पड़ेगा, और इस चेन को तोड़ने में इम्यूनाइजेशन कैसे काम करेगा, यदि मैंने इसको टीका लगा दिया किसको ससेप्टिबल होस्ट को, यदि मैंने इसको टीका लगा दिया
तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बीमारी नहीं होगी, और जैसे ही बीमारी नहीं होगी तो ये चैन यहीं की यहीं टूट जाएगी। टूटेगी नहीं टूटेगी भाई? मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हां हूं नानू कुछ तो किया करो यार, बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा मेरा काम तो इस चैन को तोड़ना है, और यही चीज COVID-19 में आई थी, ब्रेक द चैन। अजी मास्क लगाओ, क्यों लगाए? ब्रेक द चैन, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, क्या कंसेप्ट था? ब्रेक द चैन। आप इस चैन को तोड़ो, क्योंकि इस चैन से ही तो बीमारी फैल रही है। जयपुर में सबसे पहले वो विदेश से फैमिली आई थी, और उसके बाद 2 के 4 हुए, 4 के 16 हुए, 16 के 64 हुए, और उसके बाद लगातार बढ़ते रहे। यदि आप उस चैन को वहीं रोक देते तो बीमारी आगे बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। एग्जैक्टली इम्यूनाइजेशन क्या करता है, मैं इसको डिस्कस करूंगा आपको जब रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे ना। आज जो पार्ट है वो सिर्फ एक डेमो है। ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, रिजर्वर क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कौन से पार्ट में, बेसिक हेल्थ में, इसमें करेंगे बेसिक हेल्थ में। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन कंट्रोल करता है, केसेस की संख्या को बढ़ने से रोकता है, बीमारी को प्रिवेंट करता है, रोकता है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, और कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी। अब जब इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन आपके जो वैक्सीन होता है एक प्रोसेस है। आप जो वैक्सीन बनाते हैं, आप जो वैक्सीन डालते हैं, बॉडी में जाके वैक्सीन अपना काम करती है, और चौथी चीज हम उसको बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस कर दे। मान लीजिए आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, एजेंट आया लेकिन बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस कर दे, तो उस टर्म को अलग नाम दिया जाएगा। 4 टर्म लिख रहा हूं, सुनना गौर से। पहली टर्म जो आपके सामने है वो तो है एटेन्यूएशन। क्या है? एटेन्यूएशन। दूसरी टर्म होती है वैक्सीनेशन। तीसरी टर्म होती है इम्यूनाइजेशन, और चौथी टर्म होती है पैथोजेनेसिस। ये जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो कृपया ध्यान रखें कि मैं सब बच्चों के कमेंट्स नहीं देख सकता, इसलिए जो भी कोई डाउट्स होता है तो आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने लोगों के मैं देख पा रहा हूं उनको जवाब दे रहा हूं, बट बी अटेंटिव फॉर द क्लास, ठीक है? तो मैंने कहा 4 चीजें, एटेन्यूएशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और पैथोजेनेसिस, और चारों शब्द का मतलब अलग अलग है। बेसिक चीज की बात होती है, एटेन्यूएशन का मतलब होता है वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया। एटेन्यूएशन अपने आप में क्या है? वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया। आप वैक्सीन बनाएंगे कैसे? कौन सा वैक्सीन? लाइव। केवल किसकी बात कर रहा हूं? लाइव वैक्सीन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? एटेन्यूएशन। इसीलिए आपने गौर से बच्चों पढ़ा होगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लाइव एटेन्यूएटेड का, एटेन्यूएटेड का मतलब क्या है? जीवित रोगाणु से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये इंसान के शरीर के अंदर होगी कि बाहर होगी? एटेन्यूएशन की प्रोसेस बॉडी के अंदर होगी कि बॉडी के बाहर होगी? बाहर होगी। वैक्सीन कहां बन रहा है? बाहर बन रहा है ना, इसका मतलब ये बाहर बनती। आप हेल्थ वर्कर हैं, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप वैक्सीनेशन करेंगे कि इम्यूनाइजेशन करेंगे? वैक्सीनेशन करेंगे, मतलब बॉडी में वैक्सीन को, वैक्सीन सब्सटेंस को डालने की प्रक्रिया। बॉडी में वैक्सीन सब्सटेंस को डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन। बॉडी में वैक्सीन सब्सटेंस को डालने की प्रक्रिया कहलाती है वैक्सीनेशन। अब जब यह वैक्सीन सब्सटेंस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाएगा तो जाके क्या पैदा करेगा? इम्यूनिटी। कौन से प्रकार की करेगा वो सब समझाऊंगा इम्यूनिटी में। अभी समझो कि ये वैक्सीन इंसान की बॉडी में जाने के बाद वैक्सीन इम्यूनिटी पैदा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
क्या ये हर व्यक्ति में कर सकता है क्या? क्या ये हर व्यक्ति की बॉडी में जाके इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता को डेवलप कर सकता है क्या? यदि ऐसा होता कि हर व्यक्ति में कर सकता तो फिर एचआईवी पेशेंट में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते। क्या एचआईवी पेशेंट को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को, प्रेग्नेंट फीमेल को लाइव वैक्सीन दे सकते हैं क्या? इसका मतलब हर व्यक्ति में इम्यूनिटी पैदा नहीं हो पाती है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो इम्यूनो सप्रेसिव है, जिनको कोई इम्यूनो की इम्यूनिटी की कमी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में नहीं होगा, बाकी सबकी बॉडी में होगा। इसका मतलब इम्यूनाइजेशन कौन करता है? हमारा शरीर। और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता है। बॉडी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। हम बनी बनाई एंटीबॉडीज नहीं देते हैं। इम्यूनाइजेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रेडीमेड एंटीबॉडीज। यदि आप रेडीमेड एंटीबॉडीज देंगे तो इट इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। वो अलग चीज है, वो अलग पार्ट है। यहां पर आप उसकी बॉडी जो होती है वो डेवलप करती है एंटीबॉडीज, वो कहलाता है इम्यूनाइजेशन। और मान लीजिए ऐसे बॉडी में कोई पैथोजन गया और बॉडी में जाके बीमारी पैदा कर दे तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चार शब्द समझाए। पहला बोला एटेन्युएशन, दूसरा बोला वैक्सीनेशन, तीसरा बोला इम्यूनाइजेशन और चौथा बोला पैथोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? एग्जैक्टली आप ये समझ सकते हैं कि चारों चीजें आपस में अलग अलग है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन किन किन चीजों पर आते हैं एग्जाम्स में। यदि मैं इम्यूनाइजेशन की बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है कौन सी एज पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाता है, आप वैक्सीन में कितना अमाउंट यूज करते हैं, आप वैक्सीन को कौन से रूट से लगाते हैं, वैक्सीन को लगाने की पर्टिकुलर साइट कौन सी है और वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं। एज किस एज पर लगाओगे? हम बात करेंगे किसकी? शेड्यूल की। किसकी बात करेंगे? शेड्यूल की। शेड्यूल में कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं तो कौन सी एज पे कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। पहली बात एग्जामिनर आपसे कहेगा कि साहब बच्चा आपके पास इस एज पर आया, आप बताओ कौन सा वैक्सीन लगाओगे, तो यहां पर एज। दूसरी बात है कौन सी बीमारी के लिए लगाओगे। तीसरी बात है उस वैक्सीन का अमाउंट कितना होगा, कितनी मात्रा में लगाओगे। चौथी बात कौन से रास्ते से लगाओगे। पांचवी बात किस जगह लगाओगे और उसके कोई एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है, कोई उसके साइड इफेक्ट है तो वो कौन कौन से। हमें ये फंडा याद रखना है कि जो भी हम शेड्यूल पढ़ेंगे वो शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैं आज शेड्यूल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं तो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। एग्जैक्टली मेरा पहला क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड, विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ लाइव वैक्सीन। इनमें से कौन सा वैक्सीन लाइव वैक्सीन की लिस्ट में शामिल नहीं है, इस वर्ड पे जोर देना है, नहीं है। ध्यान रखना एग्जाम में एक्सेप्ट आ जाए, नॉट आ जाए, एक्सक्लूड आ जाए, इन वर्ड्स पे गौर देना, क्योंकि इनके जुड़ते ही उसका बिल्कुल उल्टा मतलब हो जाता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी रुबेला एंड ऑप्शन डी मम्स। इनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है, सोचिए फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी राव साहब, बी आंसर आया है, अभी तक एक आंसर आया बी,
आप सब लोगों का आंसर कॉलेरा, ए आंसर भी आए। राहुल कुमार ए आंसर है, सौम्या कुमारी बी आंसर है, विपिन बी ए आंसर है। हाँ जी ए ए, क्लास में जो मैक्सिमम बच्चे उनका आंसर भी ए है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है, कॉलेरा इज द टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन है? कॉलेरा किल्ड वैक्सीन है, जबकि ये सारे के सारे क्या है? लाइव वैक्सीन है। इसी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, मैंने लाइव पूछा है वो किल्ड का एग्जांपल देके पूछ ले। तो कौन कौन से वैक्सीन लाइव है, कौन कौन से वैक्सीन किल्ड है, इनके बारे में भी जानना है तो सिर्फ आपको एक मिनोमिक याद करना है जिसमें आपके मैक्सिमम वैक्सीन कवर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे कवर हो जाते हैं, बट मैक्सिमम कवर हो जाते हैं। तो यहां पर जो है वो था Why loves the crime? It is the mnemonic for the live vaccine. It is the बेटा कोई बछीड़ नहीं लगाता, मैं बछीड़ लगाने का काम नहीं है मेरा, पढ़ाने का काम है। बछीड़ लगाने वाले लोग दूसरे ही होते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ा मोटिव ये है, हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आने चाहिए, बस सबसे मोटिव इंपॉर्टेंट ये है। और आप सिलेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीचर की जीत होती है। मैंने आपको एक मिनोमिक बता दिया, इस मिनोमिक को याद करो, बॉय लव्स द क्राइम। बी का मतलब जोर से बोलो क्या होता, बीसीजी। बीसीजी कौन सी बीमारी देते बेटा? टीबी, वेरी गुड। तो पहला वैक्सीन हो गया बीसीजी, ये कौन सा वैक्सीन होता है? लाइव। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलमेट गुरेन। इसको बेसिलस कैलमेट गुरेन क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल द बेसिलस कैलमेट गुरेन, हम इसको बेसिलस कैलमेट गुरेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिलस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई है ना, तो बेसिलस तो खुद है, और देने वाले लोग कौन थे? मिस्टर कैलमेट और मिस्टर गुरेन, दो लोगों ने मिलकर दिया, वेरी गुड। ओ का मतलब ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी कैसा वैक्सीन है? लाइव। वाई का मतलब येलो फीवर, वाई का मतलब येलो फीवर, ये भी लाइव वैक्सीन है। लव्स का मतलब लाइव वैक्सीन, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। दा का मतलब टाइफो ओरल, टाइफोइड में दो प्रकार के वैक्सीन आते हैं, टाइफो ओरल टाइपीएम, टाइफो ओरल कौन सा होता है? लाइव। सी का मतलब चिकन पॉक्स, कौन सा है? चिकन पॉक्स। आर का मतलब रुबेला और रोटा वायरस, रोटा वायरस भी कैसा वैक्सीन है? लाइव, रोटा वायरस। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का लाइव, किल्ड भी आता है लाइव भी आता है। एम का मतलब मीजल्स और मम्स, मीजल्स और मम्स। और ई का मतलब एपिडेमिक टाइफस का वैक्सीन भी आता है, इंडिया में यूज नहीं करते, लेकिन इंडिया में जो यूज करते हैं वो कौन सा है? एनसेफेलाइटिस, कौन सा है? जापानीज एनसेफेलाइटिस का लाइव वैक्सीन शेड्यूल में दिया जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन है जिनको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये वैक्सीन लाइव वैक्सीन में आते हैं, मतलब इसके अंदर आप जीवित रोगाणु का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, वो रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइव वैक्सीन आपके शेड्यूल के जो मैक्सिमम वैक्सीन है वो इसमें शामिल है। यदि मैं आपसे कहूं किल्ड वैक्सीन कौन कौन से हैं, तो फिर आपका स्लोगन होता है परी चोर थी दिल्ली में, परी चोर थी दिल्ली में। पी का मतलब आईपीवी और पर्टोसिस, पर्टोसिस कैसा वैक्सीन होता है? किल्ड वैक्सीन होता है। ए का मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस भी होता है किल्ड, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है। कौन सा वैक्सीन है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। जितने भी हेपेटाइटिस है
ABCDE, इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस डीएनए वायरस से होता है? कौन सा हेपेटाइटिस डीएनए वायरस से होता है? ABCDE, अभी आंसर बोल दिया भाई मैंने। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन सा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। इसका मतलब हेपेटाइटिस बी कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस, बाकी चारों आरएनए वायरस। तो मैंने कहा ये भी होता है। आर का मतलब है रेबीज, कौन सा वैक्सीन? रेबीज। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा, मैंने कहा था लाई भी होता है और किल्ड भी होता है। चोर का मतलब कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरा वो किल्ड वैक्सीन है जो ओरल रूट से भी दिया जा सकता है। आप कभी गौर करना, शायद आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, पर आप नोटिस करना कि कॉलेरा जो वैक्सीन है उसके अलावा जितने भी ओरल वैक्सीन है वो सारे के सारे लाइव है। ओपीवी कौन से रूट से दिया जाता है? लाइव वैक्सीन है। रोटा वायरस कौन से रूट से देते हैं? लाइव वैक्सीन है। इवन टाइफो ओरल कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है, वो भी कौन सा वैक्सीन है? लेकिन कॉलेरा स्किल्ड वैक्सीन है और वो ओरल रूट से भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे, इनमें से कौन सा वैक्सीन ओरल रूट से दिया जाता है बट लाइव नहीं है? तो तीन ऑप्शन क्या हो गए? ओपीवी, रोटा वायरस, टाइफो ओरल, चौथा ऑप्शन क्या हो गया? कॉलेरा। समझ में आ गई बात? तो कॉलेरा को हम ओरल रूट से देते हैं लेकिन वो किल्ड होता है। ठीक है, मतलब टाइफीएम, टाइफीएम, टाइफोरल तो लाइव है, ये किल्ड है। और डेली में का मतलब डीपीटी, इसमें ये टॉक्सॉइड होता है, ये टॉक्सॉइड होता है, लेकिन ये क्या होता है? किल्ड होता है। तो दूसरे प्रकार के वैक्सीन आपके होते हैं किल्ड वैक्सीन। और तीसरे वैक्सीन होते हैं टॉक्सॉइड, इसमें कौन से? दो, डी और टी, डिफ्थीरिया और टिटनस। एक इंटरेस्टिंग चीज, लेटेस्ट अमेंडमेंट बता रहा हूं, लेटेस्ट अमेंडमेंट बता रहा हूं, सुन लेना गौर से। प्रेगनेंसी में अब जो हम देते हैं वो क्या देते हैं टीटी की जगह? पहले प्रेगनेंसी में क्या देते थे? यही पढ़ते थे और आज तक यही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ पढ़ा है? अब प्रेगनेंसी में टीटी की जगह क्या देते हैं? ध्यान रखना, क्या देते हैं? डीटी। प्रेगनेंसी में डीटी देते हैं अब टीटी की जगह। ऐसे ही जब आप पढ़ते थे शेड्यूल 10 साल और 16 साल तो यहां पर पढ़ते थे टीटी फर्स्ट और यहां पढ़ते थे टीटी सेकंड। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? 10 साल की एज पे कौन सा देते थे? टीटी फर्स्ट, और 16 साल के बच्चे को टीटी सेकंड बूस्टर डोज। लेकिन अब इस टीटी को किससे रिप्लेस कर दिया है? डीटी से। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट यह है कि प्रेगनेंसी में भी डीटी देना है और बच्चे को भी टीटी डीटी देना है, डिफ्थीरिया को साथ में जोड़ दिया है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों के दोनों टॉक्सॉइड है, डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड और ये है टिटनस टॉक्सॉइड। इसमें टॉक्सिन लेकर उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन है। क्या ये? एक्सोटॉक्सिन। ये दोनों बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कॉलोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी और क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, ये दोनों की दोनों कौन से प्रकार के बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम पॉजिटिव नॉर्मली कौन से टॉक्सिन निकालते हैं? एक्सोटॉक्सिन। कौन सा निकालते हैं? ग्राम निगेटिव मैक्सिमम कौन सा निकालते हैं? एंडोटॉक्सिन। कॉलेरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया है? सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट, बिल्कुल सही कहा, डीटी में चेंज हो गया है टीटी, बिल्कुल सही कहा बेटा मनीष मीना, टिटनस टॉक्सॉइड, बिल्कुल सही। हाँ जी, पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, और जो मोस्ट कॉमन एसटीडीज है ना वो सारी के सारी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है मैक्सिमम। तो ये सारे के सारे निकालते एंडोटॉक्सिन, जबकि डिप्थीरिया कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी और क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई ये दोनों निकालते हैं एक्सोटॉक्सिन। हमेशा टॉक्सॉइड एक्सोटॉक्सिन के बनते हैं, एंडोटॉक्सिन के नहीं बनते। ये चीजें जब आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में डिजीज, तब एक एक बात समझ में आएगी। अभी ध्यान रखिए ये टॉक्सिन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको क्या बताया
कि इम्यूनाइजेशन करने का मोटिव क्या होता है? बीमारी को कंट्रोल करना, बीमारी को प्रिवेंट करना और बीमारी को एलिमिनेट करना। आ रही है बात समझ में? फिर मैंने कहा कि एलिमिनेशन क्या है, इरेडिकेशन क्या है, वो आपको समझाया। कौन कौन सी बीमारियां इंडिया से एलिमिनेट हो चुकी है उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी। उसके बाद इन चारों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेज है वो मैंने आपको समझा दिए। एटेन्यूएशन बाहर होता है, वैक्सीनेशन आप करते हैं, इम्यूनाइजेशन बॉडी करती है, पैथोजेनेसिस डिजीज है, बीमारी पैदा हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के हिसाब से, कौन सी एज पे देते हैं, कौन सी बीमारी के लिए देते हैं, कितना अमाउंट देते हैं, कौन से रूट से देते हैं, कौन से साइट से देते हैं। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ? बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ कितनी दी जाती है? 0.05 ml। व्हाट इज द डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन? 0.5 ml। व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए एट द एज ऑफ 9 months? 9 महीने पे बच्चे को विटामिन ए पिलाओगे तो क्या डोज होगी? 1 ml। ये सारी की सारी बातें जब वैक्सीनेशन पढ़ेंगे तो एक ही डिस्कस करेंगे। कौन से रूट पे लगाते हैं? इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, सबक्यूटेनियस लगाएंगे, या आईडी लगाएंगे, या ओरल देंगे। आईएम लगाएंगे तो कितने एंगल पे लगाएंगे? 90। सबक्यूटेनियस लगाएंगे तो कितने एंगल पे लगाएंगे? 45। और आईडी लगाएंगे तो कितने एंगल पे लगाएंगे? 15 डिग्री। अब क्वेश्चन आपसे ये ना पूछे, बीसीजी वैक्सीन कितने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीसीजी वैक्सीन आईडी लगाया जाता है, और आईडी लगाने के लिए कितना एंगल चाहिए? 15 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये चीजें धीरे धीरे एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है इन पॉइंट्स को आपको याद करना है। सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया? वेरी गुड, द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया था, कौन सी बीमारी के लिए? स्मॉल पॉक्स। लेकिन इसको वैक्सीनेशन टर्म खोजने वाला कहा जाता है, वैक्सीन टर्म खोजने वाला नहीं कहते। यदि मैं पूछूं वैक्सीनेशन टर्म, द टर्म वैक्सीनेशन किसके द्वारा खोजा गया, तो फिर आप क्या बोलोगे? एडवर्ड जेनर। लेकिन मैं पूछूं कि वैक्सीन टर्म किसके द्वारा खोजा गया? लुई पाश्चर। तो वहां पर वैक्सीन टर्म को बताने वाला कौन था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने वैक्सीन बनाया, एंथ्रेक्स का बनाया, रेबीज का बनाया। तो लुई पाश्चर ने वैक्सीन टर्म को खोजा, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन टर्म को खोजा। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो टॉपिक आपका है कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा है? कॉन्ट्रासेप्शन। 15 मिनट 20 मिनट इसके बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आपका CHO में लेवल है वो लेवल बहुत बेसिक है, और बेसिक लेवल में गलतियां बहुत ज्यादा होती। आपको क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी आप ये मान के बैठे रहते हैं, एक माइंड में प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है कि एग्जामिनर इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी देगा, इसने कुछ तो घुमाया होगा। नॉर्सेट 2021 में कुछ नहीं घुमाया था, बिल्कुल सीधा पेपर दे दिया, पर फिर भी बच्चे घूम गए। दो लाइन क्वेश्चन पूछे, सिंगल लाइन सिंगल आंसर, खत्म उसमें बच्चे। क्योंकि हम तो मानते ही नहीं ना, हम तो ये मानते हैं पेपर आएगा बहुत टिपिकल। नॉर्सेट से पहले पूरे मार्केट में होड़ा दी, MSN आएगी पेपर में, केवल मेडिकल सर्जिकल आएगी बस, कुछ आएगा ही नहीं। बच्चा पढ़ रहा है नर्वस, GI पागल हो रहा है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आएंगे। वो तो चीजें पढ़ रहा है जो डॉक्टर पढ़ते हैं नीट PG। अब पढ़ाने वाले भी गुरुदेव महान है, नर्सिंग स्टाफ नहीं बना रहे, डॉक्टर बना रहे। सर्जरी करने में पहले कौन सी लेयर काटी जाएगी? अरे नर्स काटेगी क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या आपसे? आपसे तो नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा जाएगा, प्राइमरी बेस पूछे जाएंगे, जो हमारा काम है वो पूछा जाएगा ना। लेकिन हम ये बताने के लिए आज मैं ये कहूं कि मैं कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जो मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है ना, मेथड्स एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंटल, इसके ऊपर मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं। पढ़ाता हूं PG वालों को 12 घंटे जो MSc कर रहे होते हैं, 12 घंटे पढ़ाता हूं। पर आपके तो काम का ही नहीं है,
और 12 घंटे पढ़ा दूं। अरे यार इसको कितना आता है। आई विल नॉट गिव द एग्जाम ऑफ सी एच ओ, ओवर ही हो चुका हूं मैं। मुझे सी एच ओ वाले बैठने भी नहीं देंगे, मेरे को तो नर्सरी वाले नहीं बैठने देंगे, तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा। एग्जाम किसको देना है? मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपके माइंड में घुसनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन भी सुन रहे हैं, उन चीजों को ना देखें जो आपके सिलेबस से बाहर है। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो हम फ्री रहेंगे, खूब आराम से रात भर बैठ के ये देखेंगे हाउ टू परफॉर्म द सर्जरी, सीएबीजी कैसे होती है, आराम से देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर आपके काम की नहीं है हाल फिलहाल तो। अब अगला टॉपिक आता है कॉन्ट्रासेप्शन। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? बच्चे होने से रोकना, मतलब भगवान की देन को रोकना। बच्चे कैसे होते हैं? भगवान की देन से, भगवान पैदा करता है बच्चे, तो बच्चे होने से रोकना। मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। प्रेगनेंसी हमेशा चॉइस से होनी चाहिए, चांस से नहीं। प्रेगनेंसी हमेशा इच्छा से होनी चाहिए कि कपल चाहता है कि बच्चे हो, अचानक बच्चा ना हो जाए, वो चाहते ही नहीं है बच्चा, बच्चा हो गया तो वो खुशखबरी लेके नहीं आता है, वो टेंशन लेके आता है। कई बार तो शादी होने से पहले आ जाती है खुशखबरी, वो ज्यादा टेंशन लेके आता है। तो ये अनवांटेड बर्थ है। कॉन्ट्रासेप्शन इज अ ब्रांच ऑफ फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन फैमिली प्लानिंग की एक ब्रांच है। फैमिली प्लानिंग में बहुत सारे काम है, यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी होनी चाहिए, फैमिली को प्लान करना है, बच्चे होने से रोकना है, यदि बच्चे नहीं चाहिए तो आरटीआई या एससीडी को डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है, सिंगल पेरेंट को समझाना है, पेरेंटहुड सिखाना है, यदि कोई बैचलर मदर बन गई है तो उसको बच्चे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो गोद लेना है, तो गोद ले सकते हैं तो उसकी सुविधाएं देती है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सोशल सपोर्ट काउंसलिंग सब कुछ आता है किसमें। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन में क्या आता है? बच्चे होने से रोकना। और बच्चे होने से रोकने का जो मेथड हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन में 5-6 चीजें पढ़ाऊंगा आज केवल डेमो के अंदर जो काम की है, उसके बाद हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पहली चीज है कि 2 शब्द हम पढ़ते हैं, एक तो एलिजिबल कपल और एक टारगेट कपल। क्या क्या पढ़ते हैं? एलिजिबल कपल और टारगेट कपल। एलिजिबल कपल का मतलब होता है योग्य जोड़ा, योग्य दंपत्ति, और टारगेट कपल का मतलब होता है जिसपे आपको निशाना लगाना है। समझ में आ रही है? एलिजिबल का मतलब है निशाना, का मतलब निशाना ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। एलिजिबल कपल का मतलब होता है विवाहित जोड़ा, क्या? न्यूली मैरिड कपल, नव विवाहित जोड़ा जिसमें पत्नी की उम्र कौन सी एज में है? रिप्रोडक्टिव एज, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द रिप्रोडक्टिव एज इज कंसिडर 15 to 49 years, 15 से 49 साल को हम बांधते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब हो सकता है कि वो साइकिल उसको 55 साल तक भी चला जाए, वो तो एक्सेप्शन है, लेकिन हम ये कहेंगे 15 से 49 साल। तो महिला जो पत्नी है उसकी उम्र रिप्रोडक्टिव पीरियड में होनी चाहिए। एक 55 साल के बुजुर्ग ने 52 साल की महिला से शादी कर ली तो ये एलिजिबल कपल नहीं है। न्यूली मैरिड तो है, आज ही शादी हुई है, हनीमून पे भी जा रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रोडक्शन नहीं दे सकती। समझ में आ रही है? हमारा टारगेट ये है, एलिजिबल कपल का मतलब जो बच्चे पैदा कर सकती है। आपके पास मैं पढ़ाऊंगा फर्टिलिटी इंडिकेटर्स आपको बहुत सारे, CBR क्या होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, TFR क्या होता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी क्या होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो समझाऊंगा आपको। लेकिन मेरा मतलब है कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, न्यूली मैरिड कपल है, इसका मतलब या तो उसके एक भी बच्चा नहीं है, या मान लीजिए बच्चा है तो एक बच्चा है, फैमिली कंप्लीट नहीं है, उनको बच्चा आगे चाहिए। और दूसरा कपल वो होता है जिसकी फैमिली क्या हो चुकी,
कंप्लीट हो चुकी। उसको एक ही बच्चा चाहिए था, एक बच्चा हो चुका है। दो चाहिए थे, दो हो चुके। तीन चाहिए थे, तीन हो चुके। मतलब जितने बच्चे चाहिए थे उतने बच्चे हो चुके हैं। अब उसको आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो वो कपल क्या कहलाता है? टारगेट कपल। एलिजिबल कपल का मतलब है न्यूली मैरिड कपल इन विच द एज ऑफ वाइफ इज 15 to 49 ईयर्स, और वो अभी बच्चे तो पैदा नहीं किए या उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में तो है और मैरिड कपल भी है, लेकिन परिवार क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? टारगेट कपल। एलिजिबल कपल रजिस्टर जो है वो कहां पर मेंटेन किया जाता है? तो आप कहेंगे सब सेंटर पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। बच्चे ये सोचते हैं यार कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई क्वेश्चन आते हैं क्या? हर लाइन जो लिखवाएंगे ना यहां पे, आपके तीन महीने के कोर्स में जो लाइन यहां लिखवा दी जाएगी, आप सिर्फ उसको पढ़ के चले जाना, बस 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जो कंटेंट यहां से दे दिया जाएगा उसको पढ़ लेना, बहुत है, बाकी क्वेश्चंस निकाल लें बस। ये बात ध्यान रखें आप। तो रेगुलर जो ड्यूरेशन होगा उसको आप फॉलो करें उसी तरीके से। तो ये मत सोचना कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जो लिखवा दिया ना वो इंपॉर्टेंट है, पेपर उसी में से आएगा। तो मैंने कहा एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट, ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी पीएचसी, ऑप्शन सी सीएचसी एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कहां मेंटेन किया जाता है? सब सेंटर पे एलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हेल्थ वर्कर मेल और हेल्थ वर्कर फीमेल, ये दोनों यहां पोस्टेड होते हैं। तो एलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन करना, 50% तो एक करेगा हेल्थ वर्कर और 50% दूसरा करेगा। तो दोनों की दोनों उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। भारत में इस वक्त 150 से 180 एलिजिबल कपल है पर 1000 पॉपुलेशन, 150 से 180 कपल पर 1000 पॉपुलेशन पर इंडिया में मौजूद है इस वक्त, ध्यान रखना। उसके आधार पे हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे कैसे सर्विसेज देनी है। 150 to 180 मैं आपको लेटेस्ट सेंसस में लिखवाऊंगा, जैसे आपका टीएचओ एग्जाम आने वाला होगा तब मैं आपको लेटेस्ट जो हेल्थ जो इंडिकेटर्स है, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, आईएमआर कितनी है, एमएमआर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, सारी की सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा, लेकिन वो लेटेस्ट होंगी, उसी को याद करना है। पहले वाली को याद करने से मतलब नहीं है। 2019 में आप पढ़ते थे 32 थी आईएमआर, कितनी थी? 27 पॉइंट कुछ रह गई है, तो हमको तो लेटेस्ट याद करनी है ना, तो वो आपको लिखवाऊंगा। 2019 के एसआरएस के आंकड़े भी लिखवाऊंगा और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी लिखवाऊंगा, सब चीजें, कितने विलेज हैं, कितने सब सेंटर हैं, कितनी पीएससी है, कितनी सीएससी, सब चीजें आपको बताई जाएगी। तो मैंने कहा कि ये आप 150 से 180 एलिजिबल कपल पर 1000 पॉपुलेशन पे मानते हैं एवरेज। अब यहां पर सवाल आता है कि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं तो हम उनको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट इसी कैटेगरी में अब एक को और जोड़ दिया है और वो है इमरजेंसी। कौन सा है आप मुझे बताइए? कि यदि कोई फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है उसके साथ तो वो अनवांटेड 72 यूज करती है ना, अनवांटेड 72 यूज कर रही है, ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जांपल है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्वेश्चन ये है, आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हम उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे मैंने कहा कि लिवोनॉर्जेस्ट्रोल इमरजेंसी पिल आती है या आईयूडी लगा दी, इस मेथड को यूज करने के लिए बोल रहे हैं जिससे प्रेगनेंसी ना हो, बताइए कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन एग्जांपल है? आप लोग अभी सही आंसर नहीं दे पा रहे, लेकिन जब मैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा दूंगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जांपल है प्राइमरी प्रिवेंशन का, क्योंकि प्रेगनेंसी अभी हुई, रिस्क फैक्टर आया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है ना तो रिस्क तो आ चुकी है, लेकिन क्या प्रेगनेंसी हो गई क्या? यदि प्रेगनेंसी हो चुकी होती तो एमटीपी करते ना,
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्यों देते हैं? अबॉर्शन करने के लिए या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अबॉर्शन करना है तो मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोन दोगे ना, वो एमटीपी है, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। लेकिन यहां पर ये कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इसको भी किसमें डाल दिया? कॉन्ट्रासेप्शन। टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। टेम्परेरी मेथड चार प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? नेचुरल। दूसरा कौन सा? बेरियर। तीसरा कौन सा? हॉर्मोनल। और चौथा कौन सा? आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन वो टॉपिक है जिसने नॉर्सेट में 6 से 7 क्वेश्चन दिए एक पेपर में। तो सोचो नॉर्सेट में 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके सीएचओ में तो कितने क्वेश्चन आएंगे? कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रासेप्शन में से आते हैं और 7-8 क्वेश्चन आपके इम्यूनाइजेशन में से आते हैं। तो गौर से समझिए, मैंने कहा नेचुरल, बेरियर, हार्मोनल, आईयूडीज, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। ये काम कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या यूज करते हैं, डिवाइस का नाम क्या है, गवर्नमेंट सप्लाई में क्या नाम है, साइड इफेक्ट क्या है, कब यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, वो सब बताऊंगा। परमानेंट मेथड 2 प्रकार के होते हैं। नसबंदी कौन कौन सी? ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी, स्टरलाइजेशन। नसबंदी करते हैं महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी, इसके बारे में बताया जाएगा। एनएचवी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इमरजेंसी में कौन सा ये बनती है? आज मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, डिवाइस दिखा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा मेथड है। आपके सामने एक मेथड है, एग्जामिनर आपको ये नहीं देगा, ये तो साइड में लिखा हुआ है, ये आपको विजिबल नहीं होगा। ये आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इमेज दिखाई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये कौन से प्रकार का एक बच्चे ने कमेंट किया है, नवनीत ने, सर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स का मानना है कि सीएचओ को इसका फ्यूचर नहीं है और परमानेंट नहीं है, इसलिए एम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं नहीं जानता बेटा आपका बैकग्राउंड जीएनएम है कि बीएससी है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं एक चीज बात बता दूं कि जब गवर्नमेंट ने यूटीबी की भर्ती निकाली, सीएचए की निकाली, तो बच्चे उसमें भी जॉब पर गए। मेरी नजर में जो पहला जॉब होता है जो आपको मिलता है सरकार के द्वारा, चाहे उसकी सैलरी कम हो चाहे ज्यादा हो, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको ये बताता है कि आपकी वर्थ है। आप सीएचओ पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 35,000, 40,000, 25,000, 30,000 जो भी है, और आप उसके साथ रह के पढ़ते हैं, तो एक तरह से आप अपने घर वालों का बर्डन कम कर सकते हैं। मैं कभी भी लाइफ की शुरुआत ये नहीं मानता हूं कि आप सीधा मंजिल के ऊपर वाले हिस्से को देखो। जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए होती है उसका रास्ता उतना ही संकरा होता है, और आप ये सोचें कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सीधा वहीं पहुंचूं, तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता। जब आप कुछ अर्न कर रहे होते हो, जब आप कुछ पैसा कमा रहे होते हो, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग होता है। ये मेरा विचार, मैं बाकी कोचिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कोचिंग वाले टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उनका मानना अपनी जगह सही हो, पर मैं ये मानता हूं कि मेरा पहला जो जॉब था, मेरी सैलरी 7100 रुपए थी, 7100 रुपीज है। मैंने दौसा में एक कॉलेज में ज्वाइन किया था, मेरी पहली पोस्टिंग 2004 की थी, और 7100 की नौकरी नहीं करता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। मुझे सीढ़ियां चढ़ना पसंद है, जंप मारना पसंद नहीं है,
तो ये आपका व्यक्तिगत राय हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं। हर इंसान अपने अपने हिसाब से काम करता है। जिसका आईक्यू लेवल नॉर्थसेट के लिए नहीं बना हुआ है, क्या उसको जिंदगी भर नर्सिंग करने के बाद 8,000 की नौकरी करनी है क्या? उसको भी काम करना है। 35-40,000 रुपए घर के बगल में मिलते हैं तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट की टेम्परेरी की बात करते हो तो प्राइवेट वाला कौन सा टेम्परेरी है, परमानेंट है? प्राइवेट में तो ये हो रहा है कि आपको आज ही कह दे कल से आने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको नमस्ते बोलना पड़ेगा ना। बाकी आपका खुद का फैसला खुद के पास है, आ जाइए। अब आपने बच्चों ने जवाब दिया बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड बिल्कुल सही है। अब उसने घुमा दिया इस क्वेश्चन के आंसर को, उसने कहा था बैरियर तो है लेकिन बैरियर में डाल दिया पहला फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर मेथड, सर्वाइकल बैरियर मेथड, और हार्मोनल बैरियर मेथड। अब जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सीधा होता कि साहब ये बैरियर मेथड है कि हार्मोनल है कि आईयूडी है कि परमानेंट है, तो बच्चा तुरंत बोलता ये बैरियर मेथड है। टुडे क्या है वो आपसे केवल पूछेगा, टुडे क्या है? तो आपके पास अब बैरियर में चार ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन हो गया फिजिकल बैरियर मेथड, दूसरा हो गया केमिकल बैरियर मेथड, तीसरा हो गया सर्वाइकल बैरियर मेथड, और चौथा हो गया हार्मोनल बैरियर मेथड। अब बच्चा सोचता है कि यार मैंने तो आज तक बैरियर ही पढ़ा था, तो ध्यान रखना इट इज द एग्जांपल ऑफ सर्वाइकल बैरियर मेथड। जब भी फिजिकल बैरियर मेथड का नाम आए तो दो नाम याद कर लो बस, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। केवल ये दो ही मेथड ऐसे हैं जो किसमें आते हैं, फिजिकल बैरियर मेथड। और ये दोनों मेथड केवल ऐसे मेथड हैं जो एसटीडी से, एचआईवी से बचाते, प्रिवेंट करते हैं एसटीडी से और एचआईवी से। इसके अलावा कोई सा भी फैमिली प्लानिंग मेथड एसटीडी और एचआईवी से नहीं बचा सकता। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो यहां पे सर्वाइकल बैरियर मेथड है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सर्विक्स की तरफ होता है, और ये जो पीछे इसका थ्रेड है ये बाहर की तरफ होता है, ये जाके सर्विक्स को ब्लॉक करता है। कंबाइंड बैरियर मेथड है ये। क्या ये? कंबाइंड। और इसमें एक केमिकल भरा होता है नोनोक्सिनोल 9। कौन सा केमिकल होता है वो मैं आपको समझाऊंगा तब। नोनोक्सिनोल 9, इसमें केमिकल होता है 1 मिलीग्राम। ये इसके अंदर भर दिया जाता है, उसके बाद इसको ड्राई करके पैकेट में पैक कर देते हैं। महिला इसको यूज करती है तो इसको गीला करती है, और गीला करने के बाद इसको इंसर्ट करती है डीप, और ये वाला हिस्सा रहता है सर्विस की तरफ, ये वाला हिस्सा रहता है बाहर की तरफ। इसका फायदा क्या मिलेगा? ये स्पंज है। क्या है? स्पंज। जैसे ही इजेकुलेशन होगा तो स्पर्म मोटाइल होता है, मोटाइल स्पर्म इसमें फंस जाएगा, और जब इसमें फंस जाएगा तो पहली बात तो डिवाइस उसको जाने से रोकेगी, और दूसरी बात जो स्पर्म इसमें आ गया वो पट्टा बच के जाएगा कहां, क्योंकि ये केमिकल उसको मार देगा। मारेगा नहीं मारेगा? तो दो काम कर रहा है, एक तो फिजिकल रोक रहा है और केमिकल उसको मार रहा है। तो एग्जैक्टली ये कंबाइंड बैरियर मेथड भी है और सर्विक्स को ब्लॉक करता है, इसलिए सर्वाइकल बैरियर मेथड भी। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है लेटेस्ट जो प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, लेटेस्ट प्रोग्राम अंडर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ऑप्शन ए कॉन्डम प्रमोशन, ऑप्शन बी नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टमी, ऑप्शन सी अंतरा प्रोग्राम, ऑप्शन डी कंबाइंड ओसीपी डिस्ट्रीब्यूशन। लेटेस्ट स्ट्रेटेजी विच इज गिवन द एम्फेसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार इस टाइम कौन से प्रोग्राम पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है?
सोचो, देखो कॉन्डम प्रमोशन प्रोग्राम तो तब से चल रहा है जब से एचआईवी का प्रोग्राम चल रहा है, ये एनएसीपी में चलता था। आपने टी पे ऐड पढ़ा होगा, डीडी वन पे जोर से बोलो कंडोम, ये कॉन्डम प्रमोशन प्रोग्राम था, लोगों कॉन्डम के बारे में मोटिवेट करते थे। एनएसवी नॉन स्कैल्पल वैसेक्टमी इंडिया में कब स्टार्ट हो गई थी? 1992, और तब से जोर दे रहे कि भैया मेल को प्रमोट करो वैसेक्टमी के लिए, ट्यूबेक्टमी कम होनी चाहिए। और कंबाइंड ओसीपी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत लंबे समय से चल रहा है। अंतरा प्रोजेक्ट जो है ये आपका लेटेस्ट चल रहा है, और ये लेटेस्ट इसलिए चल रहा है कि यदि आप अंतरा प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं तो अंतरा प्रोजेक्ट के द्वारा एक इंजेक्शन लगाओ और 3 महीने की छुट्टी पाओ। बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड ओसीपी तो रेगुलर लेनी पड़ेगी, यदि आपने मिस कर दी तो फेलियर रेट तेजी से बढ़ेगी। कॉन्डम के फीस टीयर होने के फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईयूडी के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अंतरा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ये एक डिवाइस है, इंजेक्शन है जो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, और एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद ये है गवर्नमेंट का, ये आता है पूरा किट, ये पूरा किट है। तो अंतरा जो होता है इसमें क्या होता है, डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट होता है, साथ में इसका डाइल्यूएंट आता है, सिरिंज आती है, इसको आप डाइल्यूट करते हैं, सिरिंज से लगाते हैं, डोज लगाते हैं 1 ml की लगाते हैं, कितने ml की लगाते हैं, और ये 1 ml डोज 150 मिलीग्राम कंसंट्रेशन रखती है, और ये कितने महीने तक काम करती है, 3 महीने तक काम करती है। सरकार ये कह रही है कि एक बार मान लीजिए इसको लगा दिया तो 3 महीने तक आप बार बार उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप 3 महीने तक प्रेगनेंसी से बच गई, बार बार मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं। तो एग्जैक्टली मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हम इसको भी ध्यान दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको आज कुछ बेसिक चीजें बताई, बेसिक चीज इसलिए कि आज की क्लास डेमो क्लास थी, रेगुलर बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन अवेलेबल है जो बच्चे यहां के बैठ के पढ़ते थे, आप लोग सब लोग आए, ऑनलाइन अवेलेबल है जिसमें दोनों प्रकार के कोर्सेज है, रिकॉर्डेड भी है और लाइव ऑनलाइन भी। रिकॉर्डेड का मतलब यह है कि जो पहले की क्लासेस रिकॉर्ड की हुई है वो रिकॉर्डेड है, यदि आप उनको लेते हैं तो वो आपको 6 महीने आपके पास रहेंगी, अराउंड 400 वीडियोस में है। लेकिन लाइव ऑनलाइन का मतलब है कि जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, जैसे भी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है, ये कि ये आपके ऐप पर आ रहा है, ये आपके ऐप पर आएगी क्लास, और वहां पर डेली की क्लास आपको टाइम पे मिलेगी। यदि आप किसी कारणवश नहीं देख पाते तो ये क्लास आपके फोन में रहेगी, 6 महीने की वैलिडिटी है, और ये क्लास आप बार बार देख सकते हैं। आप कितनी बार देख सकते हैं इसकी कोई फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड नहीं है, आप 20 बार देखो, 50 बार देखो, 100 बार देखो, 500 बार देखो, कोई मनाही नहीं। 6 महीने तक ये पूरी क्लासेस आपके पास रहेंगी, डे फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक। आज का डेमो भी आपके पास ऐप पे अवेलेबल है और ये अवेलेबल रहेगा। सेकेंड थिंग ध्यान रखना कि ये जो क्लासेज है, ये क्लासेज होने के साथ साथ आपको टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, प्रीवियस जो सीएचओ एग्जाम्स हुए वो भी, प्लस कुछ टेस्ट पेपर हम बना के आपको देंगे। एमपी में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये तो आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे, प्लस कुछ पेपर्स हम बनाकर आपको देंगे, जो आपको ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन अवेलेबल है, और जो ऑनलाइन बच्चे देंगे उनको ऑनलाइन अवेलेबल है। इन सारी चीजों के साथ हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज डेमो क्लास थी, आज की अभी सेकेंड क्लास ओबीजी की है, आप थोड़ा वेट करें, और कल सुबह 8 बजे से रेगुलरली आपको इसी बिल्डिंग में आना, आपकी क्लासेज यहीं पे रहेंगी, मॉर्निंग 8 AM to 12 जो आपका टाइम होगा 4 घंटे का, वीकेंड आपका ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे सीएचओ का डेट आ जाता है तो हो सकता है कि फिर हम इस टाइम को बढ़ा दें, वो डिपेंड करेगा ड्यूरेशन कितना है। यदि मान लो ड्यूरेशन बस 3, 3.5, 4 महीने है तब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, पर मान लीजिए नोटिफिकेशन कल आ जाए और अगले महीने एग्जाम है तो इस पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा, आपकी क्लास एक दिन में 7 से 8 घंटे भी हो सकती है। समझ में आ रही है? कोर्स पूरा कराया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कोर्स होगा, उसके लिए आप आश्वस्त रहे 100% रिलायबिलिटी के साथ। अभी आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें। थैंक यू।
Thank you.